अब हमारा लेसन कंटिन्यू है जेंडर इनइक्वालिटी। एज अ सोसाइटी अलॉट्स जेंडर रोल्स, इट इज ऑब्वियस दैट द लाइफ ऑफ मेन एंड वुमेन फ्रॉम अ वेरी अर्ली एज आर फैशन्ड बाय सोशल एटीट्यूड्स। अब जैसे सोसाइटी में ऑलरेडी जेंडर इश्यू एग्जिस्ट करता है, तो जो एक मेन और वुमेन की लाइफ है वो शुरू से ही उन पे जो असर पड़ता है, जैसी सोसाइटी सोचती है ना वैसा ही उनकी लाइफ पे फ्रॉम द वेरी बिगनिंग असर पड़ता है और उसी हिसाब से उनकी लाइफ बनती है। इन मैनी कम्युनिटीज इन्फेंट मोर्टैलिटी रेट, इन्फेंट मोर्टैलिटी रेट होता है कि एक साल में से पहले कितने बच्चे मर जाते हैं, ठीक है, एक साल से पहले, एक साल के होते भी नहीं जब वो पैदा होते हैं ना, उससे पहले जो मर जाते हैं वो हायर है अमंग गर्ल्स, यानी गर्ल्स ज्यादा मरती हैं और बॉयज कम। फीमेल फीटिसाइड्स, यानी के पैदा होने से पहले ही लड़कियों को मार देना, इनफिटिसाइड्स मतलब वही है। इविल प्रैक्टिस्ड अगेंस्ट वुमेन वाइड स्प्रेड इवन 21st century, आज भी ये प्रैक्टिस है 21st century में, क्यों, और ये जेंडर डिस्क्रिमिनेशन के कारण। लो सेक्स रेशियो, लो सेक्स रेशियो मतलब होता है कि बॉयज ज्यादा हैं और गर्ल्स कम है, मींस 1000 बॉयज पे कितनी गर्ल्स हैं। द सेक्स रेशियो विच मीन्स द नंबर ऑफ फीमेल पर 1000 मेल्स एज इन सम पार्ट ऑफ इंडिया इज लो एज 500 गर्ल्स फॉर 1000 बॉयज। सेक्स रेशियो जो है पर 1000 मेल्स में इंडिया के कुछ पार्ट में लो है, और हैरानी वाली बात है 1000 बॉयज पे 500 गर्ल्स हैं। अभी तो तुम्हें ये डिफरेंस लग रहा है कि सिर्फ 5000 है, लेकिन हमारी इंडिया की पॉपुलेशन करोड़ों में है। अगर मान लो 1 करोड़ मेल्स भी हैं तो उसकी आधी मतलब 50 लाख गर्ल्स हैं, यानी कि अगर यही रेशियो एग्जिस्ट करती रही तो हर 1 करोड़ में जो 50 लाख लड़के हैं उनकी मैरिज नहीं हो पाएगी, क्योंकि गर्ल्स ही नहीं है। हरियाणा पंजाब राजस्थान आर सम ऑफ द वर्स्ट अफेक्टेड स्टेट्स। हरियाणा राजस्थान और पंजाब में हालत सबसे ज्यादा खराब है। इफ यू लुक एट द ग्राफ गिवन बिलो यू विल अंडरस्टैंड द डिफरेंस इन द बॉयज गर्ल रेशियो इन द प्रेजेंट रूलर एज वेल एज अर्बन एरियाज। देखो अर्बन में और रूलर में मेल कितने हैं और फीमेल कितना है, दोनों का देखो, तो वो नीचे पिक में दिया है, तो कहता है इससे आपको पता चल जाएगा। गर्ल्स आर ऑफन डिनाइड इक्वालिटी इन टर्म्स ऑफ गुड न्यूट्रिशियस फूड हेल्थ केयर फैसिलिटीज एंड एजुकेशन, और गर्ल्स को नहीं दिया जाता, डिनाइड मतलब मना कर दिया या नहीं दिया जाता न्यूट्रिशियस फूड हेल्थ केयर फैसिलिटी और एजुकेशन। मान लो अगर माँ बाप के पास पैसा लिमिटेड है, दो बच्चे हैं उनके, लड़का और लड़की, उनमें से किसी एक को ही वो अच्छे स्कूल भेज सकते हैं, तो वो लड़की को नहीं भेजते, वो लड़के को भेजते हैं, ये कह रहे हैं वो। किसी को ही वो दूध दे सकते हैं दिन में एक बार, तो वो लड़के को देते हैं, लड़की को नहीं देते। राजस्थान और ये जो 3 स्टेट्स हैं, यहाँ पे तो लड़कियों को पैदा होने से पहले ही मार देते हैं, इतना बुरा कंडीशन है, ऐसे बिहेव करते हैं लोग। लेकिन मैं कहती हूँ जो लड़कियों को मार देते हैं ना ऐसे ही, उनको कभी भी बहुएं नहीं मिलनी चाहिए, मींस उनके लड़कों की कभी शादी नहीं होनी चाहिए। डिस्क्रिमिनेटरी रियरिंग, अब रियरिंग मतलब होता है पालना, क्या आप बच्चों को पालते कैसे हो, उसमें भी भेदभाव होता है। फ्रॉम द अर्ली चाइल्डहुड गर्ल्स आर इंस्टिल्ड विद ट्रेट सच एज डिपेंडेंसी एंड सबमिसिवनेस व्हाइल बॉयज आर इनकरेज टू बी डोमिनेंट एज वेल एज गिवन मोर फ्रीडम। शुरू से लड़की को ऐसे पाला जाता है कि तुम तो दूसरों पे डिपेंडेंट हो, और जो तुम्हें कहा जाए, सबमिसिवनेस मतलब जो भी तुम्हें कहा जाए तुम उसको मान लो, सर झुका के मान लो, और दूसरी तरफ लड़कों को डोमिनेंट मींस वो जो कहेंगे वही होगा, और उनको ज्यादा फ्रीडम दी जाती है। गर्ल्स आर रिक्वायर्ड टू हेल्प विद हाउसहोल्ड कोर्स व्हाइल मोस्ट इज लाइकली अ वे ऑफ ट्रेनिंग देम फॉर अ स्पेसिफिक रोल दे नीड टू टेक अप इन द फ्यूचर। लड़कियों को ज्यादातर कहा जाता है कि जी तुम घर का काम करो, क्यों, क्योंकि बड़े होके तुम्हारी शादी हो जानी है और तुमने यही काम करना है। एज दे ग्रो अप द एजुकेशन एंड अपॉर्चुनिटीज ईच ऑफ देम गेट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय देयर जेंडर। तो मतलब जैसे जैसे लड़का और लड़की दोनों बढ़ते हैं, तो एजुकेशन और जो उनको अवसर होते हैं वो उनके जेंडर को देख के ही उनको दिए जाते हैं। लो वैल्यू ऑफ हाउस वर्क, अब एक औरत जो पूरा दिन घर का काम करती है उसके काम की कोई गिनती नहीं है, क्यों, उसको कोई पैसे भी नहीं मिलते काम करने के लिए, लेकिन एक जेंट्स सेम काम बाहर जाके करता है, वो भी पूरा दिन लगा रहता है, लेकिन उसकी वैल्यू है, ठीक है ना।
तो जो लेडी है वो विदाउट पे नौकर है। ट्रेडिशनली वुमेन्स आर कंसिडर्ड सुटेबल फॉर जॉब इन विच दे कैन बैलेंस बोथ होम एंड कैरियर। अच्छा, अगर अब जॉब करनी भी है तो लोग ज्यादातर क्या प्रेफर करते हैं, हमें टीचर बहू मिल जाए। क्यों? क्योंकि वो सुबह चली जाएगी और बाद में दोपहर को आ जाएगी, वो पूरा घर भी देख लेगी। मींस लेडीज के लिए वो जॉब्स देखी जाती हैं जहां मतलब वो घर को भी देख ले और वो कमा भी ले। द वर्क एंड द रिम्यूनरेशन गिवन फॉर वर्क डन बाय वुमेन इज वैल्यूड एज लोअर कंपेयर टू दैट ऑफ मेन। अब एक औरत जो काम करती है और उसके लिए जो उसको तनख्वाह मिलती है, पे मिलता है, जो पे किया जाता है, वो एक मेल के मुकाबले कम दिया जाता है। हाउस होल्ड कॉल्स एंड केयर गिविंग टास्क आर ऑफन रिकॉग्नाइज बाय द सोसाइटी टू बी एनी वर्थ एज दे डू नॉट फेच एनी रिन्यूमरेशन। तो क्यों घर के काम को, और जो औरतें घर में सब देखभाल करती हैं बच्चों की भी और जो एल्डर लोग होते हैं उनकी भी, वो सोसाइटी उसको रिकॉग्नाइज नहीं करती। क्यों? क्योंकि इस काम के कोई पैसे नहीं मिलते। लेकिन अब ट्रेंड जो है ना वो चेंज हो रहा है, खासकर अर्बन एरियाज में। कैसे? देखो, आप वो टीवी देखते हो, मीडिया में वही दिखाया जाता है जो चेंजिंग ट्रेंड्स होता है। ठीक है, अब जो लेडीज हैं वो अच्छी अच्छी जॉब कर रही हैं, वो घर का काम नहीं करती। अगर तुम ध्यान से एडवर्टाइजमेंट देखो, टीवी में जो एडवर्टाइजमेंट होती है, आजकल मेल ही बच्चों को खाना खिला रहे हैं, मेल ही कपड़े धो रहे हैं, और ये फैक्ट है। अब मेल काम कर रहे हैं क्योंकि फीमेल बाहर निकलने लग गई है, वो भी इक्वली कमा रही है, लेकिन मेल अब ये काम कर रहे हैं। अब ध्यान से जरा एड्स देखना, देखना उसमें क्या होता है, कितने सारे मेल हैं जो काम करते हैं। मेनी अ टाइम पीपल यूज द टर्म होम मेकर विद डिसरिस्पेक्ट विदाउट रियलाइजिंग दैट दे आर सेंट्रल टू ऑल एक्टिविटीज एट होम। और कभी कभी लोग क्या कहते हैं, होम मेकर है ना, हाउस वाइफ, घर में काम करने वाली, रिस्पेक्ट नहीं देते, जबकि ये काम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सोचो अगर आज ये काम एक औरत करना बंद कर दे, घर में खाना ना बनाए, बच्चों को ना देखे, तो क्या होगा? येट द वुमेन्स आर नॉट गिवन द पावर टू टेक डिसीजन। वुमेन को पावर नहीं दी जाती डिसीजन लेने की। एक्चुअली वुमेन डू अ लॉट ऑफ फिजिकल चैलेंजिंग जॉब्स। द हाउस होल्ड वर्क विच इन्वॉल्व कुकिंग, क्लीनिंग, वॉशिंग, स्वीपिंग इज एक्चुअली आर टैक्सिंग टास्क एज इट इन्वॉल्व लॉट ऑफ फिजिकल वर्क। औरत जो है घर में रह के बहुत सारे काम करती है, ये सब काम करने पड़ते हैं ना, और उसमें बहुत ज्यादा फिजिकल वर्क होता है। वुमेन स्पेशली इन रूरल एरियाज। अच्छा, वुमेन को जो रूरल एरियाज जो गाँवों में है उनको तो दूर से जाके पानी भी लाना पड़ता है, जंगलों में लकड़ी भी इकट्ठी करनी पड़ती है, और पशु वहां पे होते हैं ना, एनिमल्स रखे होते हैं उन्होंने, और उनके लिए चारा फोडर भी लाना होता है, उनके काम तो और बढ़ जाते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट दे ऑल्सो वर्क इन फील्ड। इसके अलावा गाँवों में औरतें खेतों में भी काम करती हैं, ग्रेज एनिमल्स एंड हेल्प इन रनिंग फैमिली बिजनेस। घर में जो भी बिजनेस होता है उसमें मदद करती हैं, और ग्रेजिंग एनिमल्स में भी ले जाती हैं वो एनिमल्स को बाहर ग्रेज करवाने के लिए। इन अर्बन एंड रूरल एरियाज वुमेन्स आर ओवरबर्डन्ड विद द वर्क। अब चाहे शहर की बात हो चाहे गांव की बात हो, औरतों पे बहुत ज्यादा काम की जिम्मेवारी है, मतलब जरूरत से ज्यादा उनको काम दिया हुआ है। दे वर्क बोथ इनसाइड द हाउस एज वेल एज आउटसाइड। वो घर के अंदर भी काम करते हैं और घर के बाहर भी। सच अ सिचुएशन इज टर्म्ड एज डबल बर्डन फॉर वुमेन। बिसाइड्स द केयर गिवर्स कोर इज अ टाइम कंज्यूमिंग एंड थैंकलेस जॉब। Even though at times women spend more hours working than men, yet their work goes unrecognized. कहते हैं अब घर में चाहे बच्चे की देखभाल, केयर टेकर का काम हो या कोई और काम हो, एक औरत जनरली एक आदमी से ज्यादा काम करती है, कभी कभी ज्यादा भी करना पड़ता है, लेकिन फिर भी उसके काम की कोई अहमियत नहीं है। As it does not fetch money, क्यों? क्योंकि उससे पैसे नहीं मिलते। Many women also work from home, घर से बाहर काम करती हैं, बास्केट बनाना, लेसेस, कपड़े सिलना, लेकिन उसके लिए उनको कम पैसे मिलते हैं। ठीक है, बट इट सर्टेनली एड टू फैमिली रिसोर्स। लेकिन फिर भी कुछ तो मिलता है, वो फैमिली में तो जा ही रहे ना। इन अर्बन एरियाज वुमेन कंट्रीब्यूट इन रनिंग द फैमिली बट मेन डू नॉट लेंड अ हेल्पिंग हैंड इन द हाउस होल्ड टास्क। कहते हैं अगर अर्बन एरियाज है, वुमेन जो है एक घर को चलाने में मदद करती है, मीन्स वो बाहर जाके पैसे कमाती है, लेकिन एक आदमी
घर के काम में औरत की मदद नहीं करता। लेकिन ये पूरी हद तक सही नहीं है, पूरे हद तक ये सही नहीं है, बहुत सारे करते हैं। इवन दो अ वुमेन कंट्रीब्यूट एक्टिविटी एक्टिवली टू सप्लीमेंट द इनकम ऑफ द फैमिली बिकॉज ऑफ प्रिवेलिंग सोशल नॉर्म्स, मेन कंटिन्यू टू हैव द अथॉरिटी टू टेक ऑल क्रिटिकल डिसीजन इन द हाउस होल्ड। कहता है जबकि वुमेन एक्टिवली कंट्रीब्यूट करती है फैमिली की इनकम में, मतलब और एक्स्ट्रा कमा के लाना है, लेकिन जो हमारे में शुरू से चला आ रहा है कुछ भी इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना है, कुछ भी करना है, तो वो आदमी लेगा, औरत नहीं ले सकती। औरत को अभी भी ये राइट नहीं है।